एक योगी के लिए वे पुनः पुनः संबोधन करके कह रहे हैं कि हे जीव, हे मोक्षार्थी, हे साधु, हे साधक, हे संयमी, यदि तुझे आत्मा का कल्याण करना है तो इन आध्यात्मिक नीतियों के साथ तू मोक्ष मार्ग में आगे बढ़। आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे जीव, जहां पर राग होगा वहां पर निश्चित रूप से द्वेष होगा ही होगा, जहां द्वेष होगा वहां किसी से राग होगा ही होगा। ज्ञानियों, जैसे कि एक सिक्का होता है उसके दो पहलू होते हैं, वैसे ही आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं यदि आपको राग है, किंचित भी राग है, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं से द्वेष भी है, द्वेष भी है। हम अपने राग को, हम अपने द्वेष को, हम अपनी गृद्धता को पकड़ नहीं पाते हैं कि कैसे हम मोहित होकर के राग में, द्वेष में फंस कर के अनादि काल से अपनी अवनति की ओर जा रहा है जीव। आचार्य भगवान संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जीव, तेरे उठने की सीमा है, उठने की सीमा है कि तू सिद्धालय से आगे नहीं जा सकता है, लेकिन हे जीव, जब तक तू मोक्ष मार्ग में नहीं लग रहा है तब तक कम से कम गिरने की भी एक सीमा बांध लो। भैया, छतरपुर वाले भैया, बेटा, गिरने की एक सीमा बांध लो कि मैं इससे ज्यादा नहीं गिरूंगा, इससे ज्यादा मैं पाप नहीं करूंगा। इतनी भी यदि हमने मनुष्य पर्याय धारण करके इतनी भी सीमा बांध ली कि हम इससे नीचे नहीं गिरेंगे तो निश्चित रूप से हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे जीव, अपनों का राग भी, हे जीव, अपनों का राग भी तेरे कल्याण का साधन नहीं है। श्लोक देखेंगे 11 नंबर का, यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे जीव, भव सागर का कोई साधन है तो वे राग द्वेष है, संसार वृद्धि का कोई कारण है तो वे राग द्वेष है, दुख का कोई मूल कारण है तो वे राग द्वेष है। उच्चारण करेंगे 33 नंबर पृष्ठ पर, राग द्वेष दई दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मिना अज्ञान सुचिरम जीवा संसाराब्दौ भ्रमत्तशो। पाठ करेंगे, देखो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि हे जीव, तेरे लिए द्वेष भी करना है। हे जीव, वैभव भैया, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि तेरे लिए द्वेष भी करना है अंकुश भैया, तो एक दो व्यक्तियों से द्वेष मत कर, तू संपूर्ण वस्तुओं से द्वेष कर ले, संपूर्ण संबंधों से द्वेष कर ले। जब तेरा संपूर्ण वस्तुओं से द्वेष हो जाएगा, जब हमारा अंदर से द्वेष उत्पन्न होता है किसी के प्रति, तो हम उस वस्तु को अलग करना चाहते हैं। तू वस्त्रों से भी द्वेष कर ले, परिवार से भी द्वेष कर ले, परिग्रह से भी द्वेष कर ले, तो ज्ञानी सब वस्तुओं को अलग कर देगा, तू स्वयमेव संत बन जाएगा, साधु बन जाएगा। यदि तुझे राग ही करना है तो पर पदार्थों से राग मत कर, अपनी भगवती आत्मा से राग कर, तो निश्चित रूप से तेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। एक व्यक्ति से राग मत कर, एक साधु से राग मत कर, तेरे को राग ही करना है तो जीव अपनी चेतन मालिनी भगवती आत्मा से राग कर ले, और भगवती आत्मा से राग होगा तो निश्चित रूप से तेरा वीतराग मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं कि जीवहा, संसारी जीव, संसार अब्धो, इस संसार समुद्र में
अज्ञानाद सुचिरम, अज्ञान से अज्ञान के कारण से सुचिरम अनादिकाल से राग द्वेष द्वयी दीर्घहा राग द्वेष रूपी दो दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा, जैसे कि मथानी की रस्सी, मथानी जब घूमती है तो उसमें एक रस्सी होती है, दो उसके छोर होते हैं और एक छोर को खींचा जाता है तो दूसरी ढीली की जाती है, दूसरी को ढीले जा किया जाता है तो दूसरे को खींचा जाता है। ब्रह्मतशो, जैसे कि आप घर में मट्ठी को मक्खन निकालने के लिए मथानी को दो रस्सियों से बांध करके घुमाते हो, वैसे ही ज्ञानियों यह संसार सागर में यदि कर्म हमारे वृद्धिमान हो रहे हैं, संसार की जो पर्याय हमें मिल रही हैं वे राग और द्वेष से हम इस जीव को संसार में घुमा रहे हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं यहां पर कि हे जीव, तुझे संसार से पार होना है तो तू राग और द्वेष को छोड़ दे, क्योंकि जब तक हम राग और द्वेष को नहीं छोड़ेंगे तब तक ज्ञानियों अनंत संसार का अंत कभी भी हो नहीं सकता है। आचार्य भगवान, हमने यहां पर वकील साहब तीन प्रकार की व्याख्या होती है, एक संक्षेप से व्याख्या होती है, एक मध्यम से व्याख्या होती है और एक विस्तार से व्याख्या होती है। यहां पर हमने पूर्व में जो 10 श्लोक पढ़े मध्यम से हमने उनका विस्तार किया, लेकिन अभी हमारे पास मात्र 2 दिन शेष है और 2 दिन में हमारे लिए अगला श्लोक देखेंगे सभी लोग 12 नंबर का, कि यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये संसार है इसमें विपत्तियां ही विपत्तियां हैं। हे मां, आप महाराज जी के पास आकर के कहते हो महाराज हमारे पर ऐसी विपत्ति आ गई है, ऐसा कष्ट आ गया है, संकट आ गया है, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे मां, आपको संसार की विपत्तियों से परे होना है, संसार के दुखों को छोड़ना है, इन संकटों को सहन नहीं करना है, तो आप बीत राग मार्ग को अपनाओ, आप संयम का पालन करो, गृहस्थी के जाल में यदि रहोगे तो निश्चित रूप से आपको कष्ट तो सहन करना ही करेंगे। इसी बात को यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि जो संसार है, ये जो पंचम काल है, इसमें जो संप्रति काल चल रहा है, दुखमा काल चल रहा है, दुखमा काल, दुख ही दुख में जिसमें हो, ऐसे दुखमा काल में ज्ञानियों कभी मानसिक कष्ट, कभी शारीरिक कष्ट, कभी आर्थिक कष्ट, कभी सामाजिक कष्ट, कभी पारिवारिक कष्ट, कष्ट ही कष्ट, एक रोग ठीक होता है दूसरा रोग खड़ा हो जाता है। इसी बात को आचार्य भगवान यहां पर समझा रहे हैं, विपद भव पदावर्ते पद के बाती भायते यावत तावत भवन्तन्या प्रचुरहा विपितहा पुरहा। यहां पर उच्चारण करेंगे सभी लोग एक स्वर में, ज्ञानियों मनीषियों अंकुश भैया, हमारा पुण्य का उदय है कि हमें ऐसी मनुष्य पर्याय मिली है, हमारे जीवन में तो समझ लो कोई कष्ट ही नहीं है, कैसे कैसे हमारे इस जैन दर्शन में ऐसे योगी हुए, ऐसे ऐसे महान साधक हुए, सुकुमाल मुनि इतनी सुकोमल थे कि जब वह मकमल के बिस्तर पर सोते थे तो सरसों का दाना भी उनके तन में चुभता था,
और दीपक की लौ को वो देख नहीं पाते थे। यदि उनको घी का दीपक दिख जाए तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती थी। लेकिन जब उनको वैराग्य हुआ तो ज्ञानियों ऐसा वैराग्य हुआ कि वे कांटों पर चलते हुए, कंकड़ों में चलते हुए दीक्षा को उन्होंने धारण कर लिया। और जब उपसर्ग हुआ तो त्रियंचनी ने आकर के उनके पारों को भक लिया, लेकिन निर्घंत योगी ने आंख खोल करके नहीं देखा। सुकौशल मुनि के जीवन में उनकी स्वयं रिश्तेदार ने आकर के उनके सिर पर जलती हुई सिगड़ी रख दी, गजकुमार मुनि पर सिगड़ी रख दी। उधर सुकौशल मुनि पर उपसर्ग हुआ, लेकिन उन्होंने आंख उठा करके नहीं देखा। चिलाती मुनिराज पर एक व्यंतरी ने आकर के चील का रूप धारण करके उनकी आंखों के गोलकों को निकाल लिया, लेकिन उन्होंने आंख खोल करके, दृष्टि उठा करके नहीं देखा। तो ऐसी ऐसी उपसर्गों को सहन करने वाले योगी राज इस भारत की भूमि पर हुए। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, भव पदावर्ते, संसार रूपी पैर से चलने वाले घंटी यंत्र में जैसे पदिकाएव डंडी के समान अरहट, जो कुएं में अरहट रहता है, यावत जब तक विपद एक विपत्ति अति बाह्यति समाप्त की जाती है, तावत तब तक अन्यहा प्रचुरहा दूसरी बहुत सी विपदा पुरा भवंती, विपत्तियां सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। हनी भैया, कभी गांव में जाओ तो गांव में एक रहट नाम का यंत्र होता है, रहट नाम का यंत्र, उसमें ऐसी खन खन बनी रहती है और वो ऐसे कुएं की तरफ घूमता है और उसमें कुएं से पानी निकालने के लिए, खेत में देने के लिए वो ऐसे घूमता रहता है, और एक जब खाली होता है जब तक दूसरा भर करके, ऐसे बहुत सारे गांव में देखने को मिलता है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जैसी भी रहट यंत्र में एक एक खन, एक एक जो गोलक होती है, एक जब तक खाली होता है तो दूसरा भर करके तैयार हो जाता है। ऐसे ही संसार में जो चक्र चल रहा है कि एक समस्या खत्म होती है दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, दूसरी समस्या खड़ी जब तक हम खत्म करते हैं तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। कि पहले सिर दर्द कर रहा था, सिर दर्द ठीक किया तो पेट दर्द करने लगा, पेट दर्द ठीक हुआ तो पेट दर्द होने लगी, जैसे तैसे एक लड़के को समझाया तो बहू बिचक गई, बहू को समझाया तो पत्नी भागने लगी। तो ये संसार की दशा कैसी है माताओं, जैसे कि हम एक टोकनी में अनेक सारे मेढकों को बिठाने की कोशिश करें, एक मेढक को जब तक पकड़ेंगे दूसरा मेढक उड़क के बाहर आ जाएगा। ऐसे ये संसार के संबंध है, एक को समझाओ जब तक दूसरा सिर बन जाता है, दूसरे को समझाओ जब तक तीसरा शिष्य बन जाता है। ये दशा क्या है? जब तक हम संसार में हैं, चाहे भैया ग्रस्त में रहो और दीक्षा भी ले ली और आचार्य बन गए, तो शिष्यों को संभालना भी बड़ा कठिन है। एक को ठीक करो जब तक दूसरा उपद्रव कर देता है। एक बार हम लोगों की जब दीक्षा होने वाली थी तो हमारे बड़े महाराज आचार्य विराग सागर जी बोले, हमने कहा कि महाराज आप वृद्ध वृद्धों को दीक्षा देते, युवाओं को नहीं देते हो। तो महाराज ने बहुत अच्छी बात बताई, बेटा हम वृद्धों को दीक्षा इसलिए देते हैं कि ये शांति से माला फेरते रहते हैं और अपनी साधना करते रहते हैं, और युवाओं को दीक्षा दे देंगे तो उनको संभालना बड़ा कठिन है, कि आज एक को समझाओ तो दूसरा उपद्रव, दूसरे को समझाओ तो तीसरा उपद्रव। इसलिए संसार जो है, वास्तविकता में संसार में तो दुख ही दुख भरे हुए हैं। यहां पर ऐसे आचार्य महाराज आगे कह रहे हैं कि अब कहते हैं कि कोई कहे कि संपत्तिवान को ही
गरीबी भी दुख होगा, अमीर को दुख नहीं होगा, तो ऐसा भी नहीं है वकील साहब। आज हम भले ही सोचें कि प्रधानमंत्री है, इतना पैसा है, सम्राट है, इतना पैसा है, मुख्यमंत्री